नमस्कार, मैं हूं महक शर्मा और इस वक्त आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं हरियाणा के करनाल से। और इस वक्त हम मौजूद हैं करनाल के मर्चरी हाउस में, जहां पर एक बार फिर से स्थिति तनाव पूर्ण होती हुई नजर आ रही है। कल जब किसान यहां पर पहुंचते हैं, किसानों ने ये कॉल दे दी थी कि अगर सुबह तक कुछ नहीं होता तो उसके बाद हम मृतक का शव जिला सचिवालय के बाहर रखेंगे और वहीं पर प्रदर्शन करेंगे। और अब जो तमाम परिवार के लोग हैं, किसान हैं, वो किस तरीके से मर्चरी हाउस के अंदर एंटर करते हुए नजर आते हैं, अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पुलिस बल आप देख सकते हैं चारों तरफ आपको नजर आ रहा होगा और परिवार को रोकने की कोशिश में बातचीत हो रही है यहाँ पर। क्या बात करने आए थे आप? हाँ जी, क्या बात करने आए? कुछ बात नहीं है जी, हमारी तो इंसाफ की बात चल रही है, बस बात नहीं है। ये अपनी ड्यूटी पे हैं, हम अपनी ड्यूटी पे हैं। कोई सही बात कर रहा है? अंदर कहाँ जा रहे थे आप? अंदर कहीं नहीं जा रहे हम। अंदर कौन जा रहा जी? कोई भी नहीं जा रहा अंदर। नहीं नहीं, अंदर कोई नहीं जा रहा। अंकल फिलहाल आप देख सकते हैं कि अंदर जाने की कोशिश थी, गुरकीरत अंदर जा रहे थे। बीच में कुछ शरारती तत्व हैं जो जल्दबाजी कर रहे हैं, मीटिंग के लिए भेज रखे हैं। तो मीटिंग का जब मीटिंग के लिए कितने लोग गए? 7 जने मीटिंग के लिए गए हैं और परिवार के 5 लोग और किसान यूनियन से 2 लोग गए हैं, समझदार लोग गए हैं। तो वो मीटिंग करके आते हैं तो तभी फैसला लिया जाएगा, इतनी जल्दबाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। 5 लोग परिवार के हैं, 2 लोग किसान यूनियन से हैं जो मीटिंग के लिए गए हुए हैं। एसपी साहब से मीटिंग चल रही है और उसके बाद ही कोई फैसला होगा। लेकिन आप देख सकते हैं कुछ इसमें से प्रदर्शनकारी हैं जो आगे जाने की कोशिश कर रहे थे, गुस्से में हैं, जो आगे जाने की कोशिश कर रहे थे। मीटिंग का फैसला आने का इंतजार उन्होंने नहीं किया। हालांकि कुछ ही देर में मीटिंग का फैसला जरूर आ जाएगा कि करनाल के एसपी साहब क्या फैसला लेते हैं मृतक के परिवार वालों के लिए। आप सभी लोगों से मेरी यही अपील रहेगी कि जो लोग इस खबर को, इस वीडियो को देख रहे हैं, साथ के साथ जरूर शेयर करें। कुछ परिवार के लोग आप देख सकते हैं प्रदर्शनकारियों को समझाते हुए नजर आ रहे हैं। ये देखिए शांत करती हुई महिलाएं अंदर किस लिए जा रहे थे? अंदर किस लिए जा रहे थे आप? नहीं, अंदर नहीं जा रहे हम। देख सकते हैं मना करता हुआ परिवार कि हमने अंदर जाने की कोशिश नहीं की, लेकिन सबने देखा कि पुलिस बल भी इकट्ठा हो जाता है और प्रदर्शनकारी अंदर आप जा रहे हैं। पहले ये कर रहे हो उन्होंने भी अंदर में नमाज गड़बड़ भी करेंगे, थोड़ा जा रहे हैं वहां बात करने लगे लेने के लिए अंदर जा रहे थे। उनकी मीटिंग चल रही है, हम समाज के लोग आए ना अपने न्याय के लिए बात करने लगे, तो उनकी मीटिंग चल रही है। हम अपने मैडम घंटे के करीब समय हो चुका है और प्रशासन की तरफ से सीएम की तरफ से किसी प्रकार की कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। नहीं, मीटिंग के लिए गए, अभी तक कोई आया नहीं। लगभग 5-6 घंटे हो गए, कौन सी मीटिंग चल रही? 5 सर थे माननीय, हमारे कुल 5 सर। देखो आज अब लगभग करीब 72 घंटे का टाइम बीत चुका है अब तक और बॉडी मर्चरी हाउस के अंदर ही पड़ी हुई है। हमारी मांग थी, समाज के भी, किसान यूनियन की, छत्ती बिरादरी की मांग थी कि इस परिवार को सरकारी नौकरी दी जाए, 25 लाख रुपए मुआवजा दिया जाए और जिन 3 पुलिस वालों ने इसको टॉर्चर करके मरने के लिए मजबूर किया उन पर 302 का पर्चा दर्ज किया जाए। इनमें से एक भी शर्त को मानने के लिए यहाँ का एसपी नहीं, मीटिंग चल रही है। ऐसी कौन सी सर, ये देखो इंतजार तो करना चाहिए। नहीं, आप इंतजार कर रहे, ये पुलिस वाले बीच में ही आके छिंटा छानी करते हैं और लाठी चलाने के लिए मजबूर करते हैं। जो कुछ इनमें से ही लोग हैं वो आगे जाने की कोशिश कर रहे थे लेकिन पुलिस ने उनको आगे जाने नहीं दिया क्योंकि दूसरी तरफ एसपी ऑफिस में मीटिंग चल रही है। देखो अभी यहां बातचीत नहीं है, मानते हैं कल की बात चल रही है, कल की, कोई आज की नहीं। अगर रही बात इस सुबह की क्यों कर रहा, चलो इसकी भी 10 मिनट हम मान लेंगे, 10 मिनट या 20 मिनट मान लेंगे। 5 घंटे डीसी ऑफिस में, डीसी ऑफिस में 5 घंटे जा रहे हैं। अरे हमें इंसाफ मिलना चाहिए, कसम समाज को इंसाफ मिलना चाहिए। हम तो यही डीसी साहब और एसपी साहब से माननीय एसपी साहब से मांग करना चाहेंगे। मैम इसलिए खड़े हो गए थे आप सब अंदर जाने? हमने सीधा वो थाना तक शराब ताकि हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। 72 घंटे हो गए, धक्के खा रहे 36 बिरादरी, अभी तक का कोई फैसला तो हमेशा बातचीत से ही होता है ना भाई। आप फैसला
तो तभी होगा जब बातचीत होगी। मैडम 72 घंटे हो गए, अगर एक प्रशासन का थप्पड़ मार का देख लो पितरों तक न ठहलेंगे क्या, वो मिनट में भी तो हो जाओ अभी तो समझौता, यहाँ तो 72 घंटे हो गए। आपको तो हम धन्यवाद कर आपने हमारी आवाज प्रशासन तक। मीटिंग के लिए अभी 2 किसान भी गए हुए, साथ में बात होगी उसके बाद। मैडम देखो ये मीटिंग तो हमें जो पता लगे कल की चल रही है, पर अभी तक उस मीटिंग का कल का कोई समाधान नहीं निकला। आखिरी में क्या करें मैडम, आप सबने पता है 36 बरादरी, कोई यमुनानगर से आ रही है, कोई कहीं से, कोई दिल्ली से, कोई कहीं से, ये अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए आ रही है मैडम। तो हमारी ये निवेदन है कि जितना भी हो सके मुख्यमंत्री जी से अगर इसका समाधान किया जाए, और ये जायज है, कोई भी नजायज मांग नहीं है। सबसे पहली तो मांग ये है कि उन लोगों को तस्दीक किया जाए, उनकी पहचान की जाए कि वो कौन लोग हैं, मौके पर कौन लोग थे जिन्होंने चालान किया और उसके साथ में मार पिटाई की, उन लोगों को तस्दीक किया जाए। उसके बाद जो परिवार से एक उनको सरकारी नौकरी दी जाए, एक चिराग चश्मा चिराग उस परिवार से गया है, उसकी हानि को पूरा नहीं किया जा सकता, लेकिन उसको आर्थिक मुआवजा दिया जाए। कम मेरा नाम सुभाष कश्यप है, मैं कश्यप एकता क्रांति मिशन से जिला अध्यक्ष यमुनानगर से हूँ, और आप मीडिया बंधुओं के माध्यम से ही हम ये खबर देख करके यहाँ अपने समाज की लड़ाई के लिए, इंसाफ के लिए यहाँ आए हैं, और हम इंसाफ लेकर करेंगे जो भी संविधान के मुताबिक शांतिपूर्ण तरीके से हम अपना प्रदर्शन करेंगे और अपने हक अधिकार की लड़ाई को। देख सकते हैं कि फिलहाल परिवार के लोगों का सबर टूटता हुआ नजर आ रहा है, कह रहे हैं कि मीटिंग चल रही है लेकिन मीटिंग का अभी तक कोई नतीजा निकल कर सामने नहीं आया। आप सभी लोगों से मेरी यही अपील रहेगी कि जो भी लोग इस खबर को, इस वीडियो को देख रहे हैं, साथ के साथ जरूर शेयर करें। आप देख रहे हैं M24, मैं हूं महक शर्मा, हरियाणा के करनाल से आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद। अब यहां तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।